हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। आम तौर पे लोग कहते हैं मैं तो बहुत हेल्दी डाइट लेता हूँ, और गिनवाते हैं मैं दूध ले रहा हूँ, दही ले रहा हूँ, पनीर ले रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, और मिक्स आटे की रोटी ले रहा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी डाइट बहुत हेल्दी है। मगर शायद आपको ये नहीं पता कि तीन तरह की डाइट प्लान्स या न्यूट्रिशन प्लान्स होते हैं, यानी जो आप डाइट या न्यूट्रिशन ले रहे हैं तीन तरह के होते हैं, तीन कैटेगरीज में वो आते हैं। जो सबसे उत्तम कैटेगरी है वो है हीलिंग न्यूट्रिशन प्लान, यानी आपके शरीर को जो हील करता है, आपके शरीर को जो रीजनरेट करता है, और इन इफेक्ट आपके शरीर में रीजनरेशन पावर इतनी है कि आपकी एज, आप अपने एज से बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि एजिंग प्रोसेस ही स्लो डाउन हो गया है, उसको बोलते हैं हीलिंग न्यूट्रिशन प्लान। दूसरा न्यूट्रिशन प्लान होता है हेल्दी न्यूट्रिशन प्लान, यानी आप हेल्दी खा रहे हैं और वो सारी चीज़ें ले रहे हैं जो आपकी हेल्थ को बरकरार रख सकती है, मेंटेन कर सकती है। और तीसरा है हार्मफुल न्यूट्रिशन प्लान, यानी हीलिंग न्यूट्रिशन प्लान, हेल्दी न्यूट्रिशन प्लान एंड हार्मफुल न्यूट्रिशन प्लान, तीनों में अंतर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। आंवला अगर आप लेते हैं, अगर आप आंवले की चटनी या आंवले का रस वेजिटेबल जूस में मिला के पीते हैं, यानी सब्जियों के रस में मिला के पीते हैं, तो वो हीलिंग है। आंवले का जो नेचर है, तासीर है, वो हीलिंग है। अगर आप आंवला का मुरब्बा खाते हैं, आंवला का कैंडी खाते हैं, या अगर आप आंवला को दाल में डालते हैं या कुक करते हैं, तो वो हेल्दी है। बट अगर आप आंवला का अचार बनाते हैं तो वो हार्मफुल हो जाता है। तीनों में बहुत अंतर है। और इसी तरीके से लोग नॉर्मली बिलीव करते हैं कि भाई हमने तो हेल्दी खा लिया तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, यूथफुल रहेंगे। नहीं, हेल्थ आप हेल्दी फूड खाने से आप अपने को सिर्फ मेंटेन करेंगे। अगर आप 50 के हैं तो 50 के लगेंगे, मगर हीलिंग फूड्स खाने से अगर आप 50 के हैं तो आप 35 के लगेंगे, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली हील कर रहा है। हीलिंग का मतलब जो आपकी बॉडी में जो ब्रेकडाउन होता है, डिजेनरेशन होती है। और क्यों होती है? हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी बॉडी की सेल्स रिजनरेट होती हैं, हमारा हार्ट चल रहा है, हमारी लंग्स चल रही है, हमारा डाइजेशन की जो पूरी प्रणाली चल रही है उस पर काफ़ी ब्रेकडाउन होता है। तो यानी हमारी जो चलती फिरती मशीन है, ये जो शरीर और ये दिमाग, ये कॉन्स्टेंटली इसमें काफ़ी सारा ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे मशीन में ब्रेकडाउन होता है। उसको हील करने के लिए, उसको रिजनरेट करने के लिए कॉन्स्टेंट प्रोसेस चलते हैं। तो जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है वो हीलिंग फूड और एंटी एजिंग फूड माना जाता है। जो इस प्रोसेस को मेंटेन करता है, यानी जो अगर आपको रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो सब आप खा रहे हैं, तो आप हेल्दी डाइट है। यानी आपका प्रोसेस जो आप काम कर रहे हैं उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं। यानी अगर आप एक सेल टूट गई, खराब हो गई, तो दूसरी सेल आ गई, वो रिप्लेसमेंट चल रही है। बट जब आप हार्मफुल फूड खाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल अरोमास, आर्टिफिशियल कलर, जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके शरीर में जाके शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट क्यों? बिकॉज शरीर उसको नहीं पहचान पाता। एक आर्टिफिशियल कलर को शरीर नहीं पहचान पाता ये क्या है, एक आर्टिफिशियल फ्लेवर को शरीर नहीं पहचान पाता ये क्या है, तो उसको वो पैक करके कहीं कोने में डाल देता है। और ये जो प्रक्रिया है ये हमारी इम्यून सेल्स करती हैं। एक स्थिति आती है कि जब इतना सारा शरीर में बिखरा हुआ है, ये सारा जो अननोन एलिमेंट, ये जो अननोन टाइप की चीज़ें हैं शरीर में बिखरी हुई हैं, तो एक समय आता है, एक लेवल आता है कि जब शरीर उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और इम्यूनिटी उस पर अटैक करना शुरू करती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तब इम्यूनिटी के अटैक की वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसको किल किया जाता है और हमारी डीजनरेशन साइकिल शुरू हो जाती है। ये अटैक कहीं से भी शुरू हो सकता है, जॉइंट से शुरू हो सकता है, अस्थमा से शुरू हो सकता है, हार्ट से शुरू हो सकता है, लंग से शुरू हो सकता है, और कुछ केसेस में ये स्किन से शुरू होता है। स्किन में ये अटैक पहले दिखता है, वाइट स्पॉट्स आ गए, धब्बे आ गए, एक्जिमा आ गया। तो यानी अपने शरीर को खुद हम अटैक कर रहे हैं, और अटैक का जो शुरुआत है, जो पहली सीढ़ी है, वो है हमने अपने शरीर में कुछ ऐसी चीज़ डाली, एक ऐसा केमिकल डाला जो शरीर पहचान नहीं पाया, और उसने शरीर को लगा कि कोई इन्वेडर आ गया है, कोई वायरस आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, इसको मुझे अटैक करना है। तो ये हार्मफुल फूड्स हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा, हीलिंग फूड्स, हेल्दी फूड्स और हार्मफुल फूड्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको तीनों में अंतर समझ आ गया होगा और इसकी आप सही से पहचान करेंगे
और अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग और हेल्दी फूड्स का ही चयन करेंगे।